हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका और शिराज, और आप देख रहे हैं शिराज टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम शटरस्टॉक कंप्लीट कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पिछली हमारी दो वीडियोस नहीं देखी और आप अपने मोबाइल के जरिए से इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो इससे पिछली हमारी दोनों वीडियोस देख लें ताकि आपको शटरस्टॉक के रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपना जो शटरस्टॉक का अकाउंट है वो क्रिएट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए से पिक्चर्स और वीडियोस जो है वो किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं उन लोगों को बता दूँ जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो चाहते हैं कि लैपटॉप से या कंप्यूटर से काम करें, तो लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर करना चाहते हैं तो उससे भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जो है FTP की ज़रूरत होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कि मोबाइल के जरिए से आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास मोबाइल्स जो है वो अवेल होते हैं जिसकी वजह से वो लोग मोबाइल के जरिए से पिक्चर्स और वीडियोस जो है अपलोड करके शटरस्टॉक से पैसे कमाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। बाकी इससे पिछली दो वीडियोज जो है उनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इससे अगली जो वीडियोज भी होंगी उन तमाम के लिए मैंने एक प्ले लिस्ट क्रिएट करके उन तमाम के लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग तमाम वीडियोज जो है वो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और हम अपना जो अकाउंट है उसके ऊपर जो है मोबाइल के जरिए से वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपने भी डायरेक्टली अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपने अपना जो प्ले स्टोर है मोबाइल का वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहां पे लिखना है फाइल FILE फाइल जिला ZILLA जिला FTP लिखने के बाद आपने सिंपली सर्च करना है। जैसे सर्च करते हैं फर्स्ट नंबर पर ब्लू कलर की हमें फाइल जिला फ्री FTP क्लाइंट के नाम से जो है एप्लीकेशन मिलती है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हूँ, तो इसलिए जो है मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल की जगह पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे न्यू का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेम, एड्रेस, प्रोटोकॉल, पोर्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड का जो है ऑप्शन आता है। तो आपने यहाँ पर कंप्लीटली जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो आपने ऐड करनी है। अगर गलत करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है या वीडियो है वो आपके मोबाइल के जरिए से अपलोड नहीं हो सकेगी। तो कैंडली सबसे पहले नंबर पर जो नेम का ऑप्शन आ रहा है इसमें हमने लिखना है शटरस्टॉक। तो मैं यहाँ पर शटर SHUTTERSTOCK शटरस्टॉक लिख देता हूं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद यहां पे एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे एड्रेस देना है। एड्रेस किसका देना है, एड्रेस हमने देना है शटरस्टॉक का। तो इसलिए आपने जो मैं अभी आपको एड्रेस बताऊं वही आपने लिखना है, गलत नहीं लिखना। अगर गलत लिखेंगे तो कभी भी एड्रेस आपके पास काम नहीं करेगा। तो यहां पर आपने लिख देना है FTP SHUTTERSTOCK शटरस्टॉक। लिखने के बाद .com इस तरह आपने यहां पे शटरस्टॉक के रिलेटेड कंप्लीट लिख देना है। मैं फिर से आपको बता दूं, आपने लिखना है FTP.shutterstock.com। लिखने के बाद और कुछ यहां पे नहीं छेड़छाड़ करनी, नीचे आ जाना है। आने के बाद यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यूजर नेम वो होगा जो नाम आपने अपना जो है अकाउंट बनाते वक्त दिया था, वही नाम आपने यहां पर यूज करना है। तो यहां पर अपना नाम और यहां पर आपने अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। तो यहां पर मैं अपना नाम पहले एंटर कर लेता हूं। तो मैं अपना जो कंप्लीट जीमेल अकाउंट है वो यहां पे लिख देता हूं। जो भी आपका जीमेल अकाउंट है वो आपने यहां पर दे देना है। तो यहां पर हमने अपना कंप्लीट जो जीमेल है, जो जीमेल ऑलरेडी हमने शटरस्टॉक क्रिएट करते वक्त दिया था, वही जीमेल यहां पर हमने दे देना है। देने के बाद अभी हमने क्या करना है, अभी सिंपली आपने नीचे आ जाना है और इसका जो पासवर्ड है वो एंटर करना है। बाजूकात मैं एक और बात आपको बता दूं, बाजूकात पासवर्ड जो है लोगों को भूल जाता है, तो आप इसका पासवर्ड जो है रीसेट करके भी, अपना शटरस्टॉक का पासवर्ड रीसेट करके भी दोबारा बना सकते हैं। तो अभी यहां पर मैं अपना पासवर्ड जो है वो पेस्ट करूंगा। उसके बाद यहां पर मैं अपना जो पासवर्ड है वो मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से कि क्या क्या चीज़ आपने कैसे कैसे एंटर करनी है। फिर से देख लें, फर्स्ट नंबर पे नेम के नीचे शटरस्टॉक, एड्रेस के नीचे जो है आपने FTP.shutterstock.com, उसके बाद यहाँ पे और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, और नीचे आपने यूज़र नेम के अंदर अपनी कंप्लीट जीमेल अकाउंट जिस पर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया था शटरस्टॉक का वो, और नीचे पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। करने के बाद सिंपली यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पर आपकी जो पिक्चर्स हैं वो पड़ी हुई हैं, वो आप पर डिपेंड है आपने कहाँ पर रखी हुई हैं, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर सेलेक्ट करके जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी जो पिक्चरें हैं वो पड़ी हुई हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने और कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पर आपने
इसके बाद यहाँ पर आपने ऊपर आ जाना है, आने के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, तो इस पर आपने करके क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर ये चेक कर ले, हमारे पास एक जो है लिंक क्रिएट हो गया है, जिस लिंक के ऊपर अभी हम पिक्चर अपलोड करेंगे। मैं आप पिक्चरें जो है वो अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, आपने इसलिए परेशान नहीं होना। और बाकी मोबाइल के अंदर किस तरह से जो है विदाउट पिक्चर बनाए, आप किस तरह से मोबाइल में एडिट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पे चेक मार्क आपने लगा देना है, यानी कि ये जो हैश आ रही है इसके नीचे जो है आपके पास ऑलरेडी कोई चीज नहीं आ रही होगी इस जगह पे, तो आपने ये हैश के नीचे यहाँ पे टिक लगा देना। लगाने जैसे टिक लगाएंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा आपके पास। तो अभी क्या करना है, ये न्यू के नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये लोडिंग आ रही है। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी तो हमारा ये जो FTP है ये हमारे जीमेल अकाउंट के साथ जो है वो मैच कर जाएगा, और उसके बाद हमारी ये जो FTP है ये हमारे Shutterstock के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। तो ऑलरेडी ये चेक करें, हमारा जो है Shutterstock के साथ अटैच हो गया है FTP। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिंपली अपलोडिंग करनी है। तो मैं अभी क्या करता हूं, यहां पर जो हमारे पास अप के नीचे एक लफज आ रहा है अपलोड, आपने इस अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने अपलोड पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। यहां पर ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर टोटली A to Z मेरे मोबाइल के अंदर जो कुछ है वो सारा ही सामने आ गया हमारे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो सबसे पहले हम अपनी जो भी चीज़ अपलोड करना चाहते हैं उसका जो यूज़र नेम है वो चेंज करेंगे। उसके बाद जो है उसको हम अपने मोबाइल के अंदर किसी ऐसी जगह पर रखेंगे कि जिससे वो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट हो जाए, तो फोल्डर से भी बाहर होनी चाहिए। अगर फोल्डर के अंदर भी हो तो फिर भी सिलेक्ट नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मोबाइल के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से मैं अपने पास जो है अपलोड करता हूँ। आपने डायरेक्टली अपना फाइल मैनेजर जो है वो ओपन करना है। जैसे ही आप फाइल मैनेजर ओपन करते हो तो यहाँ पर ये मेरे कैमरे से ली गई पिक्चर्स हैं, तो इनमें से यहाँ से मैंने ये दो पिक्चर्स जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जो है इनको डायरेक्टली जो है कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। कॉपी करने के बाद ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर दूंगा। जैसे पेस्ट किया तो ये चेक करें, अभी फोल्डर से वो तमाम चीज़ें मैं बाहर लेके आ गया हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। तो अभी ऑलरेडी हमने इसका जो नेम है वो चेंज करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमारे सामने ओपन होगी, तो मैं मोर पर क्लिक करके इसका जो रीनेम है वो कर लूँगा। आपने रीनेम कर देना, यानी कि जो इसके ऊपर नंबरिंग लगी होती है जब आप पिक्चर बनाते हैं या कहीं से लेते हैं उसको आपने ख़त्म करके उसके ऊपर जो नेम है वो दे देना है। तो मैंने यहाँ पर फ्लावर लिख दिया, एंड ओके कर दिया, एंड ओके। तो इस तरह से ये हमारी जो है पिक्चर क्रिएट हो गई है और इसका नेम जो है वो भी चेंज हो गया है। तो मैं इस पर कंप्लीट इसका नाम दे देता हूँ, पिंक फ्लावर, पिंक, ठीक हो गया, पिंक फ्लावर, एंड ओके कर दिया, एंड ओके। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, अभी हमारे लिए इजी है, हम डायरेक्टली अपना जो है FTP पे जाएंगे और वहाँ से इजीली अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे FTP पे आ गया हूँ, आने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँगा। आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली मैं नीचे आया तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास बाई रीयूज़ के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसे रिफ्रेश किया तो ये चेक कर लें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पिंक फ्लावर, उसके बाद यहाँ पर अकेला फ्लावर। तो मैं ये ऑलरेडी एक फ्लावर ये वाला कि मैं अपलोड करना चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये कह रहा है कि ये आप वाकई ही अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, यू आर श्योर? तो मैं कहूँगा जी ओके, कि मैं श्योर हूँ कि ये मेरी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी जाए। तो यहाँ पर ये अपलोड फ्लावर जो है वो हो रहा है, इसलिए हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये अपलोड हो गई और सक्सेस आ रही, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये अभी लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर जो है हमारे पास, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये अपलोड हुई है या नहीं हुई। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर वो पिक्चर अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही, वो ऑलरेडी बता रहा है कि आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड कर दी गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने अपने डायरेक्टली अकाउंट में जाना है और देखना है कि वो पिक्चर अपलोड हुई है या नहीं हुई। तो अभी मैं अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेता हूँ, मैं इस काम के लिए नेक्स्ट देखने के लिए कि हमारी जो पिक्चर है वो अपलोड हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए और उसकी बाकी सेटिंग्स करने के लिए मैं अपने चला जाता हूँ मोबाइल के ब्राउज़र में, जिसको मैं यूज़ अभी कर रहा हूँ गूगल क्रोम को। तो आपने भी कोशिश करनी कि आप गूगल क्रोम को यूज़ करें, और इसके ये जो साइड पे 3 डॉट्स आ रहे हैं इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपने इसको डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लेना है ताकि आपके पास जो है कंप्यूटर की तरह ही स्क्रीन आए। तो यहाँ पे अभी आपने कंट्रीब्यूट Shutterstock ओपन करना है, तो मैं भी यहाँ पर
कंट्रीब्यूट लिख लेता हूँ, और जैसे ही मैंने कंट्रीब्यूटर अकाउंट लिखा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, तो मैं कंट्रीब्यूटर अकाउंट shutterstock.com पर चला गया हूँ। जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, तो हमने इसका लॉग इन जो है वो करना होता है। तो मैं अभी यहाँ पर Shutterstock पर लॉग इन कर लेता हूँ। या तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ जो है अपने अकाउंट के अंदर। अगर आपका अकाउंट लॉग इन हो तो ठीक है, नहीं तो आपने लॉग इन कर लेना है वो भी Shutterstock कंट्रीब्यूटर पर। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऊपर जो है राइट साइड पर हमारे पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने क्लिक किया और डेस्कटॉप मोड ओपन कर लिया, यह भी ठीक है। अगर आप डेस्क मोड ओपन नहीं भी करते तो फिर भी ठीक है। तो मैं आपको डेस्क मोड जो है वो ओपन करके जो है वो दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग लैपटॉप पर करें या मोबाइल पर, तो आपके लिए इजी रहे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड पर हमें, तो हमने यहाँ पर ऊपर आपको फर्स्ट नंबर पर Shutterstock कंट्रीब्यूटर के नीचे आपको अर्निंग, उसके बाद पोर्टफोलियो का ऑप्शन जो है नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि हम पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास अपलोडिंग, सबमिट कॉन्टेंट, पेंडिंग कंटेंट, रिव्यू कंटेंट, इस तरह जो है ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जो है सबमिट कंटेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ऑलरेडी अभी हमने कंटेंट सबमिट किया है वो टोटली हमारे सामने आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास सबमिट कंटेंट आ गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही नंबर पर हमारे पास जो है ये जो पिक्चर अभी हमने अपलोड किया है वो हमारे सामने आ गई। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे राइट साइड पर भी टोटली इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाती है और हमारी पिक्चर जो है वो भी हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो पिक्चर है मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर आपने यहाँ पर जो छोटा बॉक्स बना हुआ है पिक्चर के साथ लेफ्ट साइड पर, उसके ऊपर आपने चेक मार्क लगाना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये चेक मार्क लग गया। अभी आपने क्या करना है, अभी हमने ये जो साइड्स हैं इनको फिलअप करना है। फिलअप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस जगह पे हमने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कैटेगरीज, उसके बाद इसके टैग्स और कीवर्ड जो है वो लगाने हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी कम से कम 5 वर्ड्स की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस फ्लावर के रिलेटेड ही, हमने जो भी आप प्रोडक्ट कोई भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो उसके रिलेटेड ही आपने जो है टोटली डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पिंक एंड ग्रीन फ्लावर इन टेबल, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मेरी इंग्लिश इतनी हाई नहीं है, किसी बंदे ने मजाक नहीं उड़ाना, जो भी मैंने लिखा है मेरे जो माइंड में आया वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। आपने अच्छा से लिखनी है, जो आपको बेस्ट चीज़ लगे वो आपने ऐड करनी है, ठीक हो गया। और अपनी प्रोडक्ट जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हैं उसके रिलेटेड लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से कैटेगरी जो है अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ब्यूटी फैशन, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहा है जी नेचुरल, तो मैं नेचुरल पे क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद सेकंड नंबर पे सेकंड कैटेगरी है, आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं, इनमें से कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं सेकंड पे भी जो है यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही, तो मैंने नेचुरल ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लोकेशन देनी है, नेचुरल यानी कि कैटेगरीज के बाद यहाँ पर हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है नंबर 3 पे, 1, 2, 3 एंड 4, नंबर 4 पे सॉरी। फर्स्ट नंबर पे डिस्क्रिप्शन दे दी, सेकंड पे कैटेगरी 1 एंड 2 पर कैटेगरी 2, और नीचे हमने जो है अपनी जो है लोकेशन देनी। तो यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ही सेलेक्ट करना है। आपने लिखना है US। जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जो है वो आ जाएगा, यहाँ पर नीचे सर्चिंग होकर, तो आपने यूनाइटेड स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर देना है। तो मैंने ये देखे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाएं, आने के बाद तो यहाँ पर हमने नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करना है, करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो आपने जो भी सर्च करके रखे हुए हैं वो आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही जो कीवर्ड है वो ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर ये खुद से भी आपको आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, तो आपने यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कि मेरा फ्लावर है ब्यूटीफुल, उसके बाद हमारे पास पिंक है, और हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्यूटी है, उसके बाद कलर है वर्ड हमारा, और इस तरह यहाँ पर टेबल आ गया। यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ के रिलेटेड जो है आपको मिलते हो कीवर्ड्स वो आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं मैं आपको बता दूँ, वो कम से कम 7 कीवर्ड जो है वो आपने ऐड करने होते हैं। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है, आने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन हमें मिल जाता है, इस सबमिट के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही सबमिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी जो पिक्चर है वो सबमिट हो जाती है और रिव्यू पे चली जाती है। जैसे वो उस पिक्चर को रिव्यू करेंगे तो रिव्यू के बाद हमें वो बता देंगे हमारी पिक्चर जो ऑलरेडी वो सबमिट हो गई है, ये चेक कर रहे हैं रिव्यू के लिए जो है वो चली गई है। और जैसे ही वो सबमिट हो
होगी तो हमें मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो पिक्चर है वो सबमिट कर दी गई, अभी वो पेंडिंग में चली गई है, जैसे ही वो रिव्यू करेंगे तो उसके बाद कर देंगे। तो यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। उसके बाद एमसीबी लाइट कार्ड के रिलेटेड मैं कंप्लीट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो काइंडली आपका जहां पर पेंडिंग रह गया पेमेंट मेथड वो उसको वहां पर छोड़ दें और बाकी जो प्रोसेस हम करवा रहे हैं वो कर लें। एंड पे मैं आपको एमसीबी लाइट कार्ड के रिलेटेड बता दूंगा, अगर आप भी आप ऐड नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो पार्ट 3 आज हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके रिलेटेड फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके मेरे से पूछ लेना है। बाकी पार्ट 4 में बाकी जो चीजें रह गई है वो क्लियर करेंगे।